हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड केम छू, वेलकम टू एसएसपी द फाइनेंस एंड इजी वे टू लर्न द कांसेप्ट द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट मेरे प्यारे बच्चों। दो दिन पहले ही हमारी लाइव सेशन हुई है जिसमें 8 घंटे लगातार, आई थिंक 8 घंटे, 8.5-9 घंटे की क्लास थी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बच्चे ज्वाइन किए थे लास्ट तक। जो है मेरे लगभग 200 जितने विद्यार्थी थे जो लगातार बाबा एसएसपी के साथ 8 से 9 घंटे बैठे थे यार, सो हाईली अप्रिशिएटेड फॉर दैट। और मैंने उस दिन आपसे कहा था कि आप चिंता मत करिए क्योंकि आपका बड़ा भाई जीवित है, और जब तक आपका बड़ा भाई है आपको फिजिक्स में किसी भी चीज़ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो के थीम पर बात करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो है कि एसएसपी भैया हम कैसे करेंगे असर्शन रीजन के क्वेश्चन को कैसे करें। देखिए जहाँ तक बात आती है, अगर आप जेई के विद्यार्थी हैं, नीट के विद्यार्थी हैं, यानी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे ऑलरेडी, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन की आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन वो बच्चे बेचारे जो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि यार असर्शन रीजन पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, है ना। तो इसे कैसे करें, इसका अप्रोच क्या है, और क्या बाबा एसएसपी आपके लिए कुछ नया लेकर के वापस आएंगे, तो चलिए सभी चीज़ों को डिटेल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो नीचे खूबसूरत सी रेड वाली बटन है जिसे दबा करके आप चैनल का सब्सक्राइबर नहीं, इस चैनल का हिस्सा बनेंगे, इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन क्योंकि फिजिक्स के सारे कंटेंट, बोर्ड की पूरी तैयारी और नीट के सारे जो आपके लेक्चर्स हैं वो इस चैनल पर बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। लगातार फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो बोर्ड्स रिलेटेड जा ही रहा है बच्चा, बट नीट के लिए हम आपको बहुत अमेजिंग को सरप्राइज लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाने से पहले, एक सवाल आपको ऑलरेडी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, बट उस सवाल पर जाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि भैया बोर्ड का पेपर बहुत टफ आएगा क्या, या बोर्ड का पेपर बहुत हल्का होगा क्या, या बोर्ड का पेपर मॉडरेट लेवल का होगा क्या। तो इसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके दिल में आ सकता है वो तब जब पेपर आसान होगा, टफ होगा, ये होगा, वो सबको भूल जाओ। अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। फेल हो रहे हो ऐसा लग रहा है तो सब दिमाग से निकाल दो, अभी भी अच्छा खासा समय है। आप कुछ चीज़ें करके आसानी से फिजिक्स में पास हो सकते हैं। खैर मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा और बहुत बार बनाता भी हूँ। चलिए अभी बोल देता हूँ, गिन के 3 से 4 चैप्टर भी आप पढ़ लेंगे बच्चा, आराम से 23 मार्क्स आ जाएंगे यार। 23 मार्क्स out of 70 कहाँ बड़ी है, छोटी सी तो बात है ना। 3 से 4 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, उधर से सेमीकंडक्टर पढ़ लो, रे ऑप्टिक्स पढ़ लो, ऐवे ही आपका 30 से ऊपर का पेपर का जो है पैटर्न आ चुका। ये जो चैप्टर मैंने नाम लिए ना, ये ऑलरेडी अपने आप में 30 मार्क्स है, इसको ढंग से कर ले गए तो हो गया। अब बात करते हैं असर्शन रीजन की। तो देखो बच्चा, असर्शन रीजन सवाल को करने के लिए ना आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट का, बट एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या आपने एनसीईआरटी के सारे सवालों को अच्छे से किया है, क्या आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज अच्छे से किया, ये सवाल अपने आप से पूछ लीजिए। अगर इसका आंसर आता है हाँ तो फिर आपसे असर्शन रीजन बन जाएंगे, और अगर इसका आंसर आता है नहीं तो आपको पहले एनसीईआरटी को कंठस्थ करना पड़ेगा रेदर देन डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पर जंप करना, क्योंकि असर्शन रीजन आपके कॉन्सेप्ट का ही डेप्थ है। हालांकि 1 से 2 ही सवाल है लेकिन हमें 70 में से 70 मार्क्स अगर लाना है, 100% मार्क्स लाना है, तो हमें एक भी सवाल को चूकना नहीं है, हमें एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों असर्शन रीजन को पक्का करना है। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से कर रहे हो तो जिस गति से, जिस मोशन से, जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो उसी स्पीड से आगे बढ़ो, और मैं आपको जो कराऊं बस उतना कर लो, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि हमें एनसीईआरटी ढंग से आनी चाहिए, हमें डेप्थ अच्छे से कॉन्सेप्ट के आने चाहिए, कॉन्सेप्ट के डेप्थ अच्छे से आने चाहिए, प्लस हमें सारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज हमें आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इस चैनल का आप भरोसा कर सकते हैं बच्चा। लाखों बच्चे कई सालों से हर बार फ्री में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, फ्री एजुकेशन है इस प्लेटफॉर्म पर, एवरीथिंग इज फ्री मेरे लाल भाल गोपाल। और उसके बदले में जो है हम बच्चों से लेते हैं ना फीस, आपका प्यार लेते हैं, वो मेरे लिए एक तरीके से फीस ही तो है। तो बस आपके प्यारे से कमेंट्स और जो आप इतना प्यार देते हो वो मेरे लिए एक दक्षिणा ही है। तो इस यहां से आप पढ़ सकते हैं आसानी से, बिकॉज मैंने सारे के सारे कॉन्टेंट अवेलेबल करा दिए हैं, एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी कर दिया है। चलिए अब दूसरी बात पर आते हैं। ये तो हो गया कि चलिए हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, हमें कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से डेप्थ है, ज्ञान है, डेप्थ ज्ञान अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। लेकिन क्या होगा कि जब आपके सामने सवाल आएगा, अब यहाँ पर जो मैं वीडियो बना, ये जो बोल रहा हूँ ना, वो सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित नहीं है, जेईई नीट में भी काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कहा जाता है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको करने से पहले उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले असर्शन पढ़ लीजिए
और फिर थोड़ा वहां फुल विराम होकर के सोच लीजिए कि क्या असर्शन का स्टेटमेंट सही है, क्या असर्शन का स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि अगर आप असर्शन रीजन दोनों पढ़ने जाइएगा तो लोचा हो सकता है, क्योंकि इसके ऑप्शन ही अटपटान होते हैं, है ना, नहीं तो छीछा लेदर हो जाएगा। आजकल बिग बॉस एक नया वर्ड सीख लिया, अर्चना गौतम से छीछा लेदर हो गया, या क्या चल रहा है या। ठीक है, तो बहुत ध्यान से याद रखना बच्चा। तो सबसे पहले बिफोर यू जंप डायरेक्टली टू असर्शन रीजन, उसके चार ऑप्शन, सबसे पहले आपको क्या करना है, असर्शन के क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल रखा है, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि सर यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये आपके पहले चैप्टर थर्ड चैप्टर का मुझे सवाल लग रहा है। असर्शन में देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। यानी कि हमें हमारे दिमाग में चलना चाहिए, ये बैटरी का प्लस होता है, ये बैटरी का माइनस होता है, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या कहता है बच्चा, देखो मूव अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन चलता है। रीजन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर थ्योरी मुझे अच्छे से आती है तो ये मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस साइन वाला होता है, वो कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो अभी दिमाग में क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट हुआ, तो बच्चा एकदम बढ़िया से या सही है, हाँ सही है, ठीक है सर, बढ़िया। अच्छा अब रीजन पर आते हैं, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। क्या ये जो स्टेटमेंट था असर्शन, उसका आंसर यही है? देखो मैंने जब असर्शन पढ़ा तभी मैंने बोला ना कि हाँ यार बच्चा इलेक्ट्रॉन माइनस है तो प्लस ही की तरफ तो आएगा, अरे तभी तो वो आ पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है, ये अपने आप में ये स्टेटमेंट सही है, इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। ये मत देखो कि क्या इसका रीजन है कि नहीं, पहला स्टेप असर्शन पढ़ा, सही गलत चेक कर लिया, फिर दूसरा रीजन पढ़ा, रीजन की लाइन पढ़ी, वो अपने आप में सही है कि नहीं, डू नॉट कंपेयर विद अबव। पहला स्टेप असर्शन पढ़ो, सही गलत की जांच करो, दूसरा स्टेप रीजन पढ़ो, सही गलत की जांच करो, अब तीसरा स्टेप लीजिए कि क्या रीजन असर्शन का सही रीजन है, यानी ये जो स्टेटमेंट है क्या वो सही एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर है यस प्यारे बच्चों, अगर ये चीज हो जाए कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। देखो यहां लिखा भी है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वहीं बी ऑप्शन में आता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ये दोनों अपने आप में सही तो थे, लेकिन क्या होगा कभी कभी ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं निकलेगा, तब आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सी में असर्शन इज करेक्ट, मतलब ये सही है, और रीजन जो है इनकरेक्ट है। और चौथे ऑप्शन में बच्चों दोनों ही क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। आई होप मेरे इन बातों से आपको समझ में तो आ गया होगा कि असर्शन एंड रीजन को डील कैसे करना है। फिर से कहूंगा, असर्शन रीजन के अच्छे से पकड़ बनाने के लिए आपको पहले एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। और दूसरा बच्चा, हमें सवाल को पढ़ने की पैटर्न को चेंज करना है, हम डायरेक्ट असर्शन रीजन नहीं पढ़ेंगे, पहले असर्शन पढ़ेंगे, जांच करेंगे, वी विल चेक दैट वेदर इट इज परफेक्ट और नॉट। नंबर टू, रीजन स्टेटमेंट रीड किया, वेदर इट इज परफेक्ट और नॉट, एंड देन वी विल जस्टिफाई, देन वी विल फिगर इट आउट कि वेदर द स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। इफ येस देन ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर, इफ नो देन ऑप्शन बी। थर्ड वाले में क्या था बच्चा, लिखा रहेगा कि ए सही है, रीजन गलत है, और चौथे में क्या है, दोनों ही सही है। समझ गए? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब SSP बाबा, इतनी सारी आपने हमें बातें बता दी इस वीडियो के अंदर, मैंने छोटे से हिस्से में ये भी बोला कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना तो फिर क्या पढ़ना, जैसे एक बहुत अच्छा भजन है हरि नाम नहीं तो जीना क्या, वैसे सिर्फ पास होना तो पास पढ़ना क्या। अरे भाई तीन चार चैप्टर है, ऐसे विद्यार्थी मत बनो बच्चा लोग, और मार्क्स के लिए तो मत ही पढ़ो फिजिक्स, एक्सीलेंस का पीछा करो, मजे के लिए फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो चाहे मैथ्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा देखो कि यार आपको मजा आ रहा है क्या, उस दिन से देखना आपकी सारी की सारी कल्पकाया ही पलट जाएगी। और वैसे भी ये जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा ये आपका जीवन थोड़ी ना डिसाइड करने वाला है कि इसमें इतना पागल हो जाओ, लेकिन अपना 100% लगाओ, क्योंकि जीवन एक संघर्ष आगे लेकर के आएगा ही, और हंसते हंसते उस संघर्ष को जो है आपको एक्सेप्ट करना है। ये तो सिर्फ शुरुआत है बच्चा, अभी कॉलेज में जाओगे, कई लोगों को ये मिथ होता है कि यार 12वीं खत्म तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसके बाद तो कॉलेज में जाएंगे मस्ती करेंगे, लेकिन कॉलेज में भी बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेमेस्टर होता है, कब आप पढ़ोगे कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा।
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसे हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये जीवन का एक हिस्सा है, परीक्षाएं आएंगी जाएंगी। हमें एक चीज़ याद रखना है और वो चीज़ क्या है, हमें अपना 100% देना है, फिर हम रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे। ठीक, चलो अब आप लोगों को कमेंट करके ये लिखना है कि क्या आप सबने अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, क्या सारे के सारे बच्चे अच्छे से कर लिए हैं सारी चीजों को। यस वी आर डन बाबा SSP, बिकॉज आप सब लोग ट्रू SSPN हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ट्रू SSPN वाली बात लिख देना कि वी आर ट्रू SSPN बिकॉज आपके लिए मैंने इतना कुछ करवा दिया है। ठीक है, ये कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये करवाया वो करवाया आपने ऐसा बोला है, तो बच्चा करवाया है इसलिए तो बोल रहा हूं। ना आपको किसी कहीं जगह पर जाकर के पढ़ने की जरूरत है, ना आपको हम कह रहे हैं कि कुछ अमाउंट आप दीजिए, आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई है। तो बच्चों ये दिल से निकला हुआ चीज़ है, इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद पहली बार आते हैं। तो बिंदास होकर के चैनल से आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। अभिषेक सर केमिस्ट्री करा ही रहे, शिप्रा मैम आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं, नीट के लिए हमने कल एक वीडियो डाला, एक अच्छी सी फैकल्टी जो है ढूंढ रहे हैं बच्चा लोग, बहुत जल्दी करके आ जाएंगे। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी हमको नहीं चाहिए भैया, इतने पैसे नहीं हमारे पास। ठीक है, हमें वैसा बंदा चाहिए जो हमारी तरह 10-12 घंटे खड़े होने की चाहत रखे और अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ा सके। चलो पेड बैचेस नहीं है, ऐसा नहीं कि हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब भी हमको लगेगा तब। और मैं ये आपको डंके की चोट पर कहता हूँ, बच्चा चाहे कहीं किसी भी जीवन के मुकाम पर पहुँच जाऊँ, पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, फिजिक्स तो आसान बनाते ही रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए ये बात तो हो गई, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से, अगर आपने अपनी तैयारी नहीं करी हुई है तो इस चैनल के कौन कौन से वीडियोस को आपको देख लेना चाहिए, बिकॉज इन वीडियोस को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 100% नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। हाल ही में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं प्री बोर्ड्स में, वो सभी बच्चे चाणक्य नीति 4.0 का प्लेलिस्ट करके गए थे, एंड कैन यू इमेजिन उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, कई बच्चों के मुझे मेल भी आए हुए हैं। तो आप बच्चे पीछे क्यों हो, बोर्ड्स के लिए ये चाणक्य नीति 4.0 दिवाली के बाद 2022 में अक्टूबर में ही मैंने शुरुआत, नवंबर में स्टार्ट कर दिया था बच्चा, 3 नवंबर को, और 2022 तक मैंने पूरा सिलेबस खत्म करा दिया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, ट्रस्ट मी आपको मजा आ जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो ये आपको जरूर कर लेना चाहिए, चाणक्य नीति 4.0 का प्लेलिस्ट। साथ में बच्चा मैंने आपको कहा असर्शन रीजन हो, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो, आपको NCERT के सॉल्यूशन पूरे अच्छे से आने चाहिए, ये भी प्लेलिस्ट मौजूद है 2023 के बच्चों के लिए, इसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका ये दोनों हो जाता है, जैसे आपकी मान लीजिए कल प्री बोर्ड की एग्जाम है या मान लीजिए बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले आप वो सारा चीज़ थोड़ी ना कर पाइएगा, या आप मेरे इन वीडियोस को थोड़ी देख पाएंगे, या तो आप क्या कर रहे होंगे, हैंड रिटन नोट्स बना करके पढ़ रहे होंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हमारे टेलीग्राम पर मौजूद होते हैं, अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर मेरे सारे के सारे नोट्स जो भी मैंने पढ़ाए वो सब के सब मैंने दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले ना आप अपनी नोट्स को अच्छे से रिवाइज करोगे, और साथ ही साथ आपको कोई चाहिए, जैसे आपका कोई बंदा हो या कोई टीचर हो, कोई बंदी हो, बंदी सोती बच्चे लोग कुछ और सोच लेते हैं नहीं ठीक है, जो आपको फटाफट रिवाइज करा दे। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, इंडिया का फास्टेस्ट वे ऑफ रिवीजन ऑफ फिजिक्स का ये प्लेलिस्ट है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। वार्म अप मैच विद फिजिक्स, इसकी सोच मैंने दिवाली में सोचा था, थॉट लाया था दिमाग में कि बच्चों के लिए अभी से हम प्रिपरेशन करें, एंड कैन यू इमेजिन आप सबके प्यार और सपोर्ट से लगभग 200 वार्म अप मैच की वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो वार्म अप मैच विद फिजिक्स, इसके अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को 60 सेकंड में कराया गया है, 60 सेकंड के अंदर, यानी अगर आपने ये देख लिया है या आपको पहले से आता है और आपको चाहिए कि यार फटाफट कोई करा दे, है ना, ऐसे स्पून फीडिंग जिसको बोलते हैं धड़ाधड़ करा दे, तो दिस प्लेलिस्ट विल हेल्प यू एंड दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिफोर एग्जाम। ठीक है, तो वार्म अप मैच विद फिजिक्स को देख लो, फिर साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि चल रहा है, राइट, 4 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 पेपर कराने का वादा किया है, करा दूंगा, आज 5वां पेपर है। उसके बाद भौकाल रिवीजन 8-9 घंटे का, ये इकलौता वीडियो है, ये सब हो जाए तो पूरा आपको ओवरऑल व्यू चाहिए कि यार एनसीईआरटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लें एक बार, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 14 एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। साथ ही बच्चों सैंपल पेपर अगर आपने परचेस नहीं किया है तो जरूर कर लेना, सैंपल पेपर क्लास 24 ऐप पर अवेलेबल है, और हमारे साथ ही एसोसिएटेड एप्लीकेशन है, ये बहुत बड़ी टीम नहीं है, बहुत प्यारी सी छोटी सी टीम है, बहुत बड़े लेवल पर ना मैं पहुँचाऊँ ना मैं कभी सोचूंगा बच्चा लोग कि मैं पहुँच जाऊँ तो मेरी सोच वैसे एंटरप्रेन्योरशिप वाली हो जाए, नहीं, मैं आप सब बच्चों के साथ रह करके जमीनी स्तर पर रह करके काम करना पसंद करूंगा और पढ़ाऊंगा फिजिक्स तो मैं ही। तो बहुत जल्द नीट के पेड बैचेस भी यहीं क्लास 24 ऐप पर आएंगे और मेरे सैंपल पेपर यहीं पर अवेलेबल है, हार्डली 300 रुपीज़ प्राइस है, तो जाकर परचेज करिए और उन सैंपल पेपर को कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, ये बाबा SSP का दावा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं, इन पर काम जरूर कर लेना। अब
जिस मुद्दे के लिए मैंने वीडियो बनाया, अब उस पर आता हूँ। भैया असर्शन रीजन कैसे करते हैं ये तो आपने बता दिया, कौन कौन सी वीडियोस देखनी है, कैसे पढ़ना है वो भी आपने बता दिया, सोर्स ऑफ स्टडीज भी बता दिया, लेकिन क्या हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के असर्शन रीजन का कुछ मिल सकता है पीडीएफ क्या? अगर आप ये कह रहे हो बच्चा, तो उसके साथ मैं ये कहूँगा, मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ पीडीएफ ही क्यों, क्यों ना मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ चैप्टर वाइज, इजंट इट ग्रेट? तो बस भगवान ने, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, जो भी आपको दिल से लगता है बाबा एसएसपी हमेशा करने को तैयार हो जाते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए कल ठीक दोपहर के 12 बजे से लेकर के जब तक खत्म नहीं होता है तब तक मैं फिर से लाइव रहने वाला हूँ, एंड हम और आप मिलकर के करेंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के 100 मोस्ट सुपर इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चन, यानी कि टॉप 100 असर्शन रीजन के क्वेश्चन। ये तमाम जो क्वेश्चन आपके सामने कल आएंगे, कसम से बता रहा हूँ, आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। तो कल बच्चा लोग, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूँ, समय नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे शायद समय जो है भूल जाते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कल कहाँ गया हमारा, मैंने लिखा था इसी पे, हाँ ये रहा, कल बाबा एसएसपी आप लोगों के लिए आ रहे हैं, एंड आपके लिए चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक का पूरा सुपर 100 असर्शन रीजन का क्वेश्चन, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। इजंट इट ग्रेट बच्चों? अब यार इतना तो बनता है, इतना तो जरूर बनता है, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इसको सुपर शेयर करिएगा, सभी लोगों तक पहुँचाइएगा, तमाम उन बच्चों तक पहुँचाइएगा जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कहीं किसी जगह पर जो है सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो YouTube पर बाबा SSP के प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ प्यारी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है? तो सिर्फ PDF ही नहीं, आपको पूरा का पूरा नोट्स और साथ ही साथ लाइव सॉल्यूशन भी मिलेगा। सो तैयार हो जाओ, कल खा पी करके एकदम फुल जोश के साथ आना बच्चा लोग, ठीक दोपहर के 12 बजे से लेकर के, हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट या शालीन मनोट की तरह, ठीक है। तो टुमारो विल मीट अगेन बच्चा लोग, एंड फॉर द सुपर 100 असर्शन रीजन का क्वेश्चन, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल एज वेल, बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली बच्चों। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल लाइव सेशन में, आई होप आप लोगों को मजा आ गया है, तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज द एंटायर थिंग्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।